गुड आफ्टरनून, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो देयर इज अ लेटर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन सर्कुलेशन इन सोशल मीडिया एंड सम ऑफ यू हैव सेंड मी द कॉपी ऑफ दैट एंड आस्क माय व्यूज ऑन दैट. नाउ दिस आरटीआई रिप्लाई ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑफ ए रूटीन नेचर बिकॉज इन आरटीआई द रिप्लाई इज ओनली गिवन ऑफ ए पोजिशन एज ऑन डेट एंड वी आर अवेयर दैट बैंक ऑफ बड़ौदा हैज नॉट गिवन वैकेंसीज टिल डेट. So they are saying that till date they have not sent any vacancies for officer or clerk to IBPS. But they have an opportunity to send these vacancies up to 31st March 2023 for ongoing selection. So the chapter is still open and chapter is not closed. But the most relevant information is that is contained in the another part of this RTI. How many staff members have retired since 2019. So this number is 6,993. It's a good number. So that means there is a reduction of staff in Bank of Baroda and they may require staff in coming days. So our hopes are alive as far as Bank of Baroda recruitment is concerned. We cannot say that last 3 years they have not taken the probation officer or persons in clerks. They will not take this year also. It may happen that they may take some officer or clerks from the ongoing process. But the only thing is, when this information comes, then only we will come to know. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा का आरटीआई रिप्लाई का एक लेटर इस समय सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन में. आप में से कुछ लोगों ने मुझे भेजा और मेरे व्यूज जानने चाहे इसके ऊपर. देखो ये जो इसमें रिप्लाई है आरटीआई का, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रिप्लाई है. जब भी आप किसी से आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो गिवन डेट पे क्या इंफॉर्मेशन है वही दी जा सकती है, फ्यूचरिस्टिक नहीं दी जा सकती. तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बताया कि एज ऑन डेट कोई वैकेंसीज नहीं बताई हैं आईबीपीएस को क्लर्क और ऑफिसर में, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है. क्योंकि ये हमें भी सबको पता है कि जो नोटिफिकेशन अभी ख़त्म हुआ है उसमें कोई वैकेंसी नहीं दिखाई गई थी. दैट मीन्स उस डेट तक तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई वैकेंसी बताई नहीं आईबीपीएस को. बताई होती तो मॉडिफाइड नोटिफिकेशन आ जाता, बिकॉज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले मॉडिफाइड नोटिफिकेशन आ सकता है. अब मान लो 21 तारीख को ये एप्लीकेशनें बंद हुई है और इसके बाद कोई एप्लीकेशन मतलब कोई वैकेंसीज आती है तो वो हमें रिजल्ट पे ही पता लगेंगी. मगर जो उसका सेकंड पार्ट है लेटर के जवाब का वो बहुत अच्छा है. उसमें ये बताया गया कि लास्ट 3 साल में कितने लोग रिटायर हुए, 6,993. इसका अर्थ ये है कि स्टाफ तो रिड्यूस हो गया है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में और आने वाले दिनों में भी रिटायर होंगे. तो हो सकता है इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर और क्लर्क की रिक्विजिशन भेज दे. 31 मार्च 2023 तक का उसके पास वक्त है. पिछले 3 साल नहीं भेजी इसका ये अर्थ नहीं है इस साल नहीं भेजेंगे. इस साल अगर लगातार स्टाफ कम हो रहा है और उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भेज भी सकते हैं. पर इसका जैसे हमें पता लगेगा तभी हम उस पर विचार कर पाएंगे. पर वैकेंसीज ओवरऑल बढ़नी है. अब बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ये तो वक्त ही बताएगा और हमें होपफुल रहना चाहिए. मगर एज फार एज अदर बैंक वैकेंसीज आर कंसर्न, मैंने पहले ही आपको बताया इस साल बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी ऑफिसर की भी 10,000 से ऊपर होने की उम्मीद है और क्लरिकल में भी हमारा आंकड़ा 13,000 से अधिक वैकेंसी होने की मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल.